आप सभी जानते हो कल हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है, चुनाव घोषित हो चुके हैं और आचार संहिता लड़ने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में दौसा में वा रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले और संभाग में, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उनके आने को लेकर। अभी अमृता जी हमारी सेक्रेटरी हैं AICC की, मुरारी जी, ममता जी, हम सब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है और जो संदेश प्रियंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और आमजन यहाँ उतारू है। इस क्षेत्र में हमेशा ही बड़ी मीटिंग होती आई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है आज से करीब 2.5 दशक पहले सोनिया गांधी जी की हुई, राहुल गांधी जी यहाँ कई मरतबा आए हैं, अब प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं, तो सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है अब और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएँ इसका निर्देश कल प्रियंका जी हमको देकर जाएंगी। सभी नेता, कार्यकर्ता, टिकटार्थी, टिकट लेने वाले, लड़ने वाले, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाल में जो खबरें सामने आई हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर, ना सदन के बाहर, ना जयपुर, ना दिल्ली में BJP को प्रभाव छोड़ पाई है। ERCP के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बातें अपनी 12 में कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है। हमने कहा था कि जो योजना वसुंधरा जी की सरकार में इसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर उतार रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता पूछने जाती है क्यों, कल भी हम सवाल पूछेंगे। हम योजना को लाने के लिए खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी। बहरहाल चुनाव आ गए हैं तो जनता को निर्णय करना है कि कौन जनहित कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक, मैं समझता हूं, लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है। और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।